गुड मॉर्निंग वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए। और मुझे मुझे तो चाय बहुत पसंद है। आप लोग में से कौन कौन चाय पीता है? तो मेरा तो सुबह और शाम एकदम बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना इसके तो मेरी मॉर्निंग होती ही नहीं है। मैं और मेरे हब्बी अभी चाय पियेंगे, मैं, मेरे हब्बी और मेरी मदर इन लॉ। उसके बाद सोचते बनाना हैं, है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं सपना अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज तो कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है, बस एक सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी कुछ आज बच्चों का कुछ खाने का चटपटा खाने का मन था, तो आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और आज मैंने स्क्रब भी किया हुआ है, ये देखिए होममेड स्क्रब है। और हमें हम लोगों को वीक में एक या दो बार स्क्रब जरूर करना चाहिए। सारी डेड स्किन, जो भी डेड स्किन होती है हमारे स्किन से सारी निकल जाती है, तो स्क्रब जरूर करें। और स्क्रब करने के बाद अपनी स्किन पे टोनर जरूर लगाएं। अगर मैं तो टोनर के रूप में गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी वही यूज करें। और अभी बच्चों ने बोला, मम्मा आज पास्ता खाना है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ना मैगी ना पास्ता। बट कभी कभी चलता है, कुछ अलग खाने का मन है तो खा, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर दबाएं, उससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी वो आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो लाइक भी कर दिया करें, बस देख के ऐसे ही ना नहीं चले जाए। और चलिए किचन में चलती हूँ। मैं आ गई हूँ और मैं अभी पास्ता बनाने जा रहा हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने पास्ता उबाल के रख दिया है। मैं थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी प्याज मैंने कट करके रख दिए हैं और मैंने उसे कढ़ाई में डाल दिया है। और मेरी देखिए, मेरी प्याज थोड़ी सी भुन भी चुकी है। मैं इसे हरी मिर्च डालूँगी और आपके पास अगर हरी सब्जियाँ हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए पास्ता मेरा, बट मेरे पास अभी कुछ भी नहीं और बच्चे मेरे इसमें हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं प्याज को थोड़ी देर और भूनूंगी, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। देखिए मैंने टमाटर डाल दिया है और टमाटर और प्याज हरी मिर्च लगभग भून चुकी है, तो मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और मैं इसे थोड़ी देर और भूनूंगी, तो उसके बाद ही मैं इसमें पास्ता डालूंगी। और पास्ता हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है गाइस, लेकिन कभी कभी अगर हमारा दिल करे तो हम लोग खा सकते हैं। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, थोड़ी सी बस डाली है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैं अब इसमें पास्ता डाल देती हूँ, देखिए मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी अच्छे से, ताकि इसमें सारे मसाले और नमक अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए। और खाने में तो वाकई बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को इसलिए काफ़ी पसंद आता है, बट मैं बच्चों को जल्दी नहीं देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई मिलाती हूँ, इस मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइज, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी यम्मी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने डाल दी, आप थोड़ी और ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिलीशियस लगता है, एकदम सा लगता है जैसे कि बाहर से बाहर का खा रहे हैं एकदम ऐसा। मलाई डालने से बहुत ही वाइट सॉस जैसा इसमें फ्लेवर आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें वाइट सॉस मिलाया है। और मगर अगर
आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी मिलाया है और मैगी मसाला मिला, मेरे पास पास्ता मसाला नहीं था तो मैंने इसे मैगी मसाला ही मिला दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं है पास्ता मसाला तो हम नहीं बना सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। काफ़ी अच्छा टेस्ट मैगी मसाला से भी आ जाता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।